Hi guys, good morning. Welcome to the Andaman blog. So guys, in today's blog, I will show you the Radhanagar beach, which is one of the most visited tourist place in the entire Andaman and Nicobar Island. Guys, itna hi nahi, Radhanagar beach ke baare mein ek kahawat hai ki agar aap Andaman aur Nicobar Island ghoomne ke liye aate hain aur Radhanagar beach nahi ghoomte hain, to fir aapka ghoomna bekar hai. Kyunki Radhanagar beach sirf India mein nahi, overall Asia mein Radhanagar beach ka jo khoobsurti hai aur jo nazara hai, उसके बारे में जितना भी कहूँ मतलब कम है. सो गाइस, मैं आज आपको राधानगर बीच दिखाऊंगा, वहाँ का नज़ारा और वहाँ का सनसेट भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है. इवन वहाँ पे हनीमून पैकेजेस में भी काफ़ी लोग आते हैं. राधानगर बीच को कपल पॉइंट भी कहा जाता है. सो गाइस, चलिए देखते हैं आज हम राधानगर बीच का कुछ नज़ारा. एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है. बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है राधानगर बीच का. हाल लगभग वही है गाइस, जैसा कि पोर्ट ब्लेयर में था. देख सकते हैं आप वेदर जो है, पर सबसे अच्छी बात है कि पोर्ट ब्लेयर में तो बारिश रुक नहीं रही थी, पर यहाँ पे बारिश हो नहीं रही है, बस बादल छाए हुए हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है यहाँ की. आधा रास्ता हम तय कर चुके हैं, 4 किलोमीटर था और 4 किलोमीटर और बचा है. मैक्सिमम 5 to 6 मिनट लगेंगे हमें राधानगर बीच पहुँचने में. पर यहाँ का रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है जितना कि पोर्ट ब्लेयर का था, पोर्ट ब्लेयर टू चिड़िया टापू का बीच. इवन उससे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि खजूर का पेड़ काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, और भी नेचर व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ग्रीनरी. गाइस, हम राधानगर बीच पहुंच चुके हैं, पर उससे पहले ये यहाँ पे पार्किंग एरिया है, देख सकते हैं पीछे गाड़ी लगी है. और इधर यहाँ पे कुछ खाने पीने का रेस्टोरेंट वगैरह, कुछ शॉप्स वगैरह भी है. और इधर है राधानगर बीच, जस्ट 100 मीटर से 200 मीटर की दूरी पे. तो अभी पहले हम कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे आपको एशिया का वन ऑफ द बेस्ट फेमस बीच, राधानगर बीच. ये आप छोटा सा मार्केट नियर बाई राधानगर बीच. थाली है और ये शुरमई की थाली है, प्रॉन्स थाली है. प्राइस भी देख सकते हैं आप, नॉनवेज फ्राइड राइस में स्टार्टर में ये सारे हैं. बाकी करी तो आप देख रहे हैं, थोड़ा कॉस्टली है पर एरिया के हिसाब से सही है. हमारा थाली गाइस एक है फिश थाली, ये वाला हैं आप, और ये है. सो गाइस, यहाँ पे हमारा लंच हो गया, क्योंकि हमने सुना था राधानगर आप आते हैं राधानगर बीच, तो यहाँ का लोकल फूड जरूर आप ट्राई करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस है लोकल फूड. तो इसलिए हमने यहाँ पे फिश थाली और फिश सुरमई खाया, काफ़ी अच्छा लगा वैसे. तो ये सही बात है कि यहाँ का लोकल जो है, जो भी फूड है आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है. अगर हम फूडिंग की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर में जब हम 4 दिन रहे हैं, तो वहाँ पे वैसे ज़्यादातर खाना तो हमने होटल में ही खाया, पर हमने बाहर भी निकला खाने के लिए, पर वैसा जगह हमें मिला नहीं. मार्केट में जगह है, पर कंपेरेटिवली यहाँ पे हैबलॉक आइलैंड में यहाँ पे काफ़ी जगह रेस्टोरेंट वगैरह खाने पीने का सारा चीज़ दिख गया, और काफ़ी अच्छा भी लगा यहाँ का खाना. तो खाने के मामले में मुझे लग रहा है कि हैबलॉक आइलैंड बेटर है पोर्ट ब्लेयर के कंपेयर में अगर देखा जाए तो. सरप्राइज गाइस, सरप्राइज, ये देखिए. अभी तो आपको देखना बाकी है मेन नज़ारा, आपको नज़दीक लेके चलते हैं. Thank you.
यहाँ पे स्विमिंग का जो टाइमिंग है वो शाम के 5 बजे तक है, तो आज हम आए हैं तो ऐसे स्विमिंग करके ही जाएंगे। देखिए नज़ारा यहाँ का कितना खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, देखिए आप। फेमस बीच है एशिया का, देख सकते हैं आप। फिर चलते हैं हम यहाँ पर स्विमिंग करने के लिए। सो गाइज, राधानगर बीच के बाद हैवलॉक आइलैंड में एक और बीच है जिसे काले पत्थर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे अभी मैं आया हूँ, देख सकते हैं ये। और ये बीच भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है राधानगर बीच के बाद। और ये बीच जो है मेनली इसका जो वाइट सैंड के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सनराइज़ का जो टाइम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है, देखने लायक होता है, देख सकते हैं आप। इधर पीछे कुछ शॉप्स भी है, यहाँ पर छोटा सा मार्केट है। काले पत्थर बीच जो है इसके बगल में, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। Somebody has made this. और ये है वाइट सैंड, इसके लिए बीच जो है काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ का मार्केट काला पत्थर के बीच, ये है यहाँ का मार्केट नियर बाई काला पत्थर। आए हैं तो यहाँ का कुछ तो लेना बनता है, तो फिर मैंने यहाँ का एक टी शर्ट लिया जिसमें अंडमान एंड निकोबार स्वराज द्वीप आइलैंड लिखा हुआ है।